टी20 सीरीज से पहले बड़ी भारत की टेंशन बता दो, चोटिल होने से टीम से बाहर होंगे टीम इंडिया के खिलाड़ी। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन शिप किया है और अब इसके बाद टीम इंडिया की निगाहें टी20 सीरीज जीतने पर होंगी। 27 जनवरी से भारत को कीवी टीम के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी पड़ेगी और इसके लिए ही टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी। वही न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सैंटनर की उनको सौंपी गई है, लेकिन इससे पहले ही भारतीय टीम के लिए संकट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के कलाई में चोट लगी थी और इसी वजह से उन्होंने NCA में रिपोर्ट भी किया था और उनके स्कैन वगैरह भी किए गए थे। बता दें इससे पहले पिछले साल भी गायकवाड़ चोट के कारण श्रीलंका सीरीज से बाहर हो गए थे। वही इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन के लिए उन्होंने टीम में जगह बनाई है, लेकिन प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ ने भारत के लिए 9 टी20 मैचों में से 135 रन बनाए, वही एक वनडे मैच में 19 रन जड़े थे। वही IPL में बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं वो। अगर ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होने की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो जाते हैं तो ये सेलेक्टर्स के ऊपर है कि उनके ऊपर रिप्लेसमेंट का ऐलान किया जाए या नहीं। कीवी टीम के खिलाफ पहले ही शुभमन गिल, पृथ्वी शाह और ईशान किशन ओपनिंग करने के लिए मौजूद है और बता दें ईशान किशन जो है वो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और इसीलिए वो टीम में बने रहेंगे और यही दोनों प्लेयर्स ने वनडे क्रिकेट में बेहतरीन दोहरे शतक लगाए हैं। न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में कौन कौन शामिल है आपको बता दें, हार्दिक पांड्या होंगे कप्तान के तौर पर, सूर्य कुमार यादव उप कप्तान के तौर पर होंगे, ईशान किशन विकेट कीपर के तौर पर होंगे, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ खेलने पर सस्पेंस जो है डिपेंड करता है, दीपक हुड्डा होंगे और राहुल त्रिपाठी, जितेश शर्मा विकेट कीपर के तौर पर होंगे और वही वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल नजर आएंगे, अर्षदीप सिंह होंगे, उमरान मलिक, शिवम मावी, पृथ्वी शो और मुकेश कुमार भी नजर आएंगे। टी20 सीरीज से पहले बड़ी भारत की टेंशन बता दो, चोटिल होने से टीम से बाहर होंगे टीम इंडिया के खिलाड़ी। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन शिप किया है और अब इसके बाद टीम इंडिया की निगाहें टी20 सीरीज जीतने पर होंगी। 27 जनवरी से भारत को कीवी टीम के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी पड़ेगी और इसके लिए ही टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी। वही न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सैंटनर उनको सौंपी गई है, लेकिन इससे पहले ही भारतीय टीम के लिए संकट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के कलाई में चोट लगी थी और इसी वजह से उन्होंने NCA में रिपोर्ट भी किया था और उनके स्कैन वगैरह भी किए गए थे। बता दें इससे पहले पिछले साल भी गायकवाड़ चोट के कारण श्रीलंका सीरीज से बाहर हो गए थे, वही इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन के लिए उन्होंने टीम में जगह बनाई है, लेकिन प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ ने भारत के लिए 9 टी20 मैचों में से 135 रन बनाए, वही एक वनडे मैच में 19 रन जड़े थे। वही IPL में बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं वो। अगर ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होने की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो जाते हैं तो ये सेलेक्टर्स के ऊपर है कि उनके ऊपर रिप्लेसमेंट का ऐलान किया जाए या नहीं। कीवी टीम के खिलाफ पहले ही शुभमन गिल, पृथ्वी शाह और ईशान किशन ओपनिंग करने के लिए मौजूद है और बता दें ईशान किशन जो है वो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और इसीलिए वो टीम में बने रहेंगे और यही दोनों प्लेयर्स ने वनडे क्रिकेट में बेहतरीन दोहरे शतक लगाए हैं। न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में कौन कौन शामिल है आपको बता दें, हार्दिक पांड्या होंगे कप्तान के तौर पर, सूर्य कुमार यादव उप कप्तान के तौर पर होंगे, ईशान किशन विकेट कीपर के तौर पर होंगे, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ खेलने पर सस्पेंस जो है डिपेंड करता है, दीपक हुड्डा होंगे और राहुल त्रिपाठी, जितेश शर्मा विकेट कीपर के तौर पर होंगे और वही वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल नजर आएंगे, अर्षदीप सिंह होंगे, उमरान मलिक, शिवम मावी, पृथ्वी शो और मुकेश कुमार भी नजर आएंगे।